नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप आईपीएल के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के 13वें सीजन का चौथा मुकाबला मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन राजस्थान के संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर ने चेन्नई के इस फैसले को गलत साबित कर दिया। दोस्तों राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 216 रन बनाए, जिसमें चेन्नई के लगभग सभी गेंदबाजों की धुनाई हुई। संजू सैमसन ने 32 गेंदों पर 74, स्टीव स्मिथ ने 47 गेंद पर 69 और जोफ्रा आर्चर ने महज 8 गेंदों पर 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोस्तों इस मैच में राजस्थान की तरफ से 17 छक्के देखने को मिले और ताज्जुब की बात यह है कि यह 17 छक्के इन्हीं 3 बल्लेबाजों के बैट से आए। दोस्तों हम आपको बता दें कि 19 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 7 विकेट पर सिर्फ 186 रन था। टॉम करन 9 रन बनाकर पिच पर खेल रहे थे और जोफ्रा आर्चर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद आखिरी ओवर लेके लुंगी एनगिडी चेन्नई की तरफ से आए। जोफ्रा आर्चर ने 20वें ओवर की पहली गेंद को छक्के के लिए भेज दिया, फिर दूसरी गेंद पर जोफ्रा ने स्क्वायर लेग पर फिर से छक्का लगाया। इसके बाद लुंगी एनगिडी ने तीसरी गेंद फेंकी, जोफ्रा आर्चर ने फिर लंबा छक्का लगाया, लेकिन ये गेंद नो बॉल थी। लुंगी एनगिडी ने फिर से गेंद फेंकी और फिर से लॉन्ग ऑफ पर जोफ्रा आर्चर ने लंबा छक्का लगाया, लेकिन लुंगी एनगिडी की यह गेंद भी नो बॉल थी। इसके बाद लुंगी एनगिडी ने एक वाइड गेंद फेंकी। ऐसे में देखा जाए तो कुल 4 छक्कों से कुल 24 रन बने, 2 नो बॉल से 2 रन बने और वाइड से 1 रन आया। कुल मिलाकर आर्चर ने सिर्फ 2 गेंदों पर 27 रन टीम के लिए बटोर लिए थे। दोस्तों हम आपको बता दें कि लुंगी एनगिडी ने इस ओवर में कुल 30 रन लुटाए, जो आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा ओवर रहा। इससे पहले इसी सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए क्रिस जॉर्डन ने 20 ओवर में दिल्ली के खिलाफ 30 रन लुटाए थे। इससे पहले आईपीएल में अशोक डिंडा ने 2017 में पुणे के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20वें ओवर में 30 रन लुटाए थे। दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल आईपीएल का टाइटल कौन सी टीम जीतेगी? आप उस टीम का नाम हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।